भारत के आगामी बजट पर नजरें सिर्फ विपक्ष या फिर भारत के लोगों की ही नहीं है, बल्कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म भी भारत के इस बजट पर नजरें गड़ाए हुए है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने पेश किए जाने वाले बजट में 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना पेश कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय सूझबूझ वाले रुख के साथ हमारा अनुमान है कि राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर बना रहेगा, साथ ही भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार के साथ लक्षित सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी के 5.1% पर बना रहेगा। यह अंतरिम बजट में तय लक्ष्य के अनुरूप है। साथ ही सरकार अगले वित्त वर्ष तक इसे 4.5% पर लाने के लक्ष्य पर कायम रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार यह भी उम्मीद है कि बजट में 2047 तक विकसित भारत के लिए रूपरेखा पर विशेष रूप से ध्यान होगा। इसके अलावा बजट में 2025-26 से आगे राजकोषीय मजबूती के लिए एक मध्यम अवधि की योजना होने का भी अनुमान है।